प्रदर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य आशीष देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश से आप सभी के साथ आज हम बात करेंगे राशिफल को लेकर के, मासिक राशिफल। फरवरी महीने का पूरा हालचाल क्या रहेगा, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत, यानी संपूर्ण 12 राशियों की हम बात करेंगे। समय न गंवाते हम फटाफट चलते हैं अब पहली राशि यानी मेष राशि पर। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, यदि आप लोग नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के लिए बोला नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब हो गए, स्नेह आप अपने चैनल को ना दें। ठीक है, चलते हैं हम मेष राशि की ओर। मेष राशि का समाचार क्या रहेगा, इस मास में जो है ग्रहचाल कुछ मध्यम फलदायक रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं रहने वाला। मेहनत के चलते थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, कार्य क्षेत्र को थोड़ा विकास में आपको थोड़ा बल मिल सकता है, आपको तेजी मिल सकती है। अब आपको एक यहाँ पर देश विदेश से कुछ सुखद समाचारों का एक संयोग आपको ये यंत्र भी प्राप्त हो सकता है, और शादी पार्टी में जाने का थोड़ा सा जो आपका निमंत्रण ग्रह है आप उनको थोड़ा सा टाल दें। वृषभ राशि यानी दूसरी राशि की हम बात कर लेते हैं सीधा। गोचर का प्रभाव आपके अनुकूल रहेगा, आपके लिए सुखद है। बात करें अगर हम व्यवसाय की, तो व्यवसाय में और नौकरी में आपको थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग सभी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने कुछ नया काम करने में आपका मन लगेगा, आपको मेरे साथ यानी मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। घर परिवार का जो विचार है वो थोड़ा सा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब हम बात करें अगर दोस्तों के साथ आपका घूमने फिरने का कुछ प्लान बन रहा है तो आप निश्चित रूप से जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखकर। कारोबार में धूप और दौड़ के चलते हुए थोड़ा सा सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, संभव है लंबी यात्राओं को आपको टाल देना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर अच्छा समाचार आपके लिए, ये जो उधार का दिया हुआ धन है तो इसमें नहीं लौट सकता, थोड़ा विलंब से ही सही। बात हम चौथी राशि यानी कर्क राशि की कर लेते हैं। तो कर्क राशि की जातकों के लिए क्या रहेगा, कुछ यह महीना नयापन आपके लिए लेके आ गया, कुछ नई ऊर्जा का संचार बनेगा, और हाँ सपनों को पूरा करने की दिशा में आपके कदम भी बढ़ेंगे, तो ये खास बात आपके लिए है। कार्य के प्रति सचेत आपको रहना होगा, अकर्मण्यता से आपको बचना है। अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते रहे, जो लोग अंडर में रहकर के काम करते हैं बड़े अधिकारियों के, उनको यस सर उनको करना पड़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ कर्मोद्योग में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बाद हम पांचवी राशि यानी सिंह राशि की कर लेते हैं। तो आपके लिए धूप के चलते आपका नया काम बनने वाला है, सरकारी कामों में अड़ंगा लग सकता है, आगम प्राप्ति के नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। छोटी यात्रा होगी मगर सुखद और सफल होगी, धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात हम कर लेते हैं छठी राशि यानी कन्या राशि की। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं, भौतिक और उपयोग के सामान आपको खरीदने में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप खरीदेंगे निश्चित रूप से। इस महीने कुछ नया करने को आपको मिल सकता है, दोस्तों के साथ भी आपकी मौज मस्ती भरी यह महीना कट सकता है, अधूरापन पूरा हो जाएगा, और हाँ सेहत का आपको भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी तुला लिब्रा की। ग्रहचाल का प्रभाव अच्छा रहेगा, इस मास आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, व्यवसाय में कुछ नया प्रारंभ हो सकता है, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें, कुटुंबीजनों का अपेक्षित व्यवहार थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। वृश्चिक राशि की हम बात करें स्कॉर्पियो की, यह महीना आपके लिए खुशी लेकर के आ रहा है, नौकरी पेशा वर्ग स्थानांतरण और तरक्की आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है, कानूनी विवाद आप ले देकर सुलझा दे, इस महीने आप नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ बात हम करें, इस महीने आप थोड़ा सा गुमराह भी हो सकते हैं अच्छे लोगों के साथ में। धनुराशि की हम बात कर लेते हैं, कार्य आरंभ कीजिए, भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, दरवाजे कभी कभी खटकाए जाते हैं, आप आगे बढ़िए। हाँ अगर हम बात करें इस महीने आपके थोड़ा स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, और देश देशांतर से कहीं से आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है। बात करें अगर मकर की, तो इस महीने कुछ नयापन आ रहा है, कुछ नया करने को मिलेगा, मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का अवसर आपको भी प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें तो आप यदि किसी के अंडर में रह करके काम करते हैं तो जीव जुड़ी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए क्या इस समय बनने वाला है, समय आपका आपको सही से उपयोग करना होगा, महीना कुछ विशेष दे करके जा सकता है, बैंक बैलेंस में आप प्रत्यक्षित बढ़ोतरी आपकी होने वाली है, कहीं से भी कुछ प्राप्त हो सकता है, साझे में जो काम है उसका आपके लिए संयोग बन रहा है, यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई छोटा सा व्यापार, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, यह महीना आपके लिए सुखद रहेगा, पुरानी निराशाओं का समापन हो जाएगा, शत्रु चक्र संरचना में आप थोड़ा संलग्न रहेगा। अगर हम बात करें मीन राशि की, यह अंतिम राशि है, ग्रह गोचर आपको थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न आपके लिए कर सकता है,
दौड़ धूप की बात करें तो थोड़ा अधिकता बनी रहेगी, लेकिन काम पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको निमंत्रण में जाने का खूब अवसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा संयम रखें, वाणी का विशेषकर संयम रखें, मौन ही आपके लिए अच्छा सूत्र हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के संबंध में थोड़ा मधुरता आएंगी। प्रिय दर्शकों, ये थी मेष और मीन पर्यंत 12 राशियों का समाचार। आप सब बने रहें हमारे साथ नवीनतम वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें और सभी का धन्यवाद।